दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल ध्रुव पंडित में। सो दोस्तों, जैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर सिंपल वे में अकाउंट कैसे क्रिएट करें। मैं जानता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों भाइयों को, मेरी बहनों को आता है इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट करना, लेकिन मैं ये वीडियो उन भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जिनको इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता। सो प्लीज़, ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों, मैं एक बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, एकदम न्यू चैनल है मेरा। सो प्लीज़, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मुझे पता चला है कि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक मेरे नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेंगे। सो प्लीज़, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वाली स्क्रीन। सो, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन है, और इस पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम अपना इंटरनेट खोलेंगे, ऑन करेंगे। ये मेरा ऑन ही है, फिर से मैंने ऑन कर लिया। और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर ऐप के अंदर। अगर आपको प्ले स्टोर ऐप ओपन नहीं करना आता तो सीधे इस तरह से बैक आएंगे। बैक आने के बाद इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर सर्च बार में सर्च करेंगे प्ले डालेंगे, उसके बाद ही आपके ऊपर शो कर जाएगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पर ऐसे क्लिक करना दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप सीधे आ जाएंगे इस प्ले स्टोर ऐप के अंदर। प्ले स्टोर ऐप के अंदर आपको ऊपर एक और सर्च बार दिखा, सर्च बार के अंदर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली टाइप करना है इंस्टाग्राम। सिंपली टाइप करने के बाद दोस्तों आपके सामने चार पांच ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन होंगे इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड, इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोड, इंस्टाग्राम फॉलोवर। आपको भी चीज़ें वो फर्स्ट वाले इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। इंटरफेस खुलने के बाद आपको राइट हैंड साइड जो ओपन का ग्रीन कलर का ये दिखेगा कुछ, आपको ग्रीन कलर का ये बटन टाइप का दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। ये मेरे में ओपन आ रहा है, लेकिन आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम ओपन करके रखा है, मतलब इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मेरे में ओपन का आ रहा है। आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना क्लिक करके। उसके बाद हम सीधे बैक आएंगे दोस्तों। बैक आने के बाद हम सिंपली जाएंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर जाने के बाद दोस्तों ये आपको साइनअप ये दिख रहा होगा, आपको साइनअप विद ईमेल और फ़ोन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन आती हैं, फ़ोन से भी आप बना सकते हैं और ईमेल आईडी से भी बना सकते हैं। अगर आपको ईमेल से बनाना है तो ईमेल से भी बना सकते हैं, और फ़ोन नंबर से बनाना है तो फ़ोन नंबर से भी बना सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको फ़ोन नंबर से बनाना सिखाने वाला हूँ। सो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। फ़ोन नंबर डालने के बाद दोस्तों सिंपली हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्रोसेस होगी। प्रोसेस के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में ऊपर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ, यहाँ पे आपको सिंपली अपना पूरा नाम डालना है, जैसे कि मेरा नाम ध्रुव एंड शर्मा। आप अपना नाम डालना दोस्तों, मेरा नाम मत डालना। और यहाँ पे पासवर्ड दोस्तों, जैसे कि आप अपना एक धांसू सा पासवर्ड, यानी कि थोड़ा मुश्किल सा पासवर्ड बनाना अपना, जिससे कोई देख ना पाए, मतलब पता ना कर पाए। सो, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। इस तरह का पासवर्ड मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू एंड साइन कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों उसने हमसे अपनी बर्थ डेट पूछी। सुन दोस्तों, मेरी बर्थ डेट ये है, मैं डाल देता हूँ। जिस तरह आप जैसे आपकी बर्थ डेट होगी, आप इसी तरह डाल देना दोस्तों, जो जो आपकी बर्थ डेट है। मेरी तो ये है, सो मैंने डाल दी। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करने का दोस्तों आपके सामने आपका अकाउंट बन चुका है। ये आपका अकाउंट नंबर है ध्रुव शर्मा 7749। उसके बाद दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक नेक्स्ट का, एक चेंज यूज़र नेम का। सो आपको अगर यूज़र नेम चेंज करना है तो यूज़र नेम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और सिंपली आपको नेक्स्ट पर जाना है तो नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं। अगर आपको यूज़र नेम चेंज करना है तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देना, लेकिन मुझे नहीं चेंज करना तो मैं सिंपली नेक्स्ट पर जाऊँगा। नेक्स्ट पर कर दिया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस ख़त्म होते ही हमारा अकाउंट पूरा बन जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इंटरफेस खुल चुका है दोस्तों। फाइंड फेसबुक फ्रेंड टू फॉलो, अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट से इसको लिंक करना है तो आप लिंक भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको लिंक करना है फेसबुक अकाउंट से तो आप इस पर क्लिक कर देना। इस
बार पर, और नहीं करना तो आप सिंपली स्किप पर कर देना। सो मैं स्किप पर कर दूंगा और स्किप कर दूंगा इस चीज़ को। सो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं स्किप कर चुका हूँ, मैंने स्किप कर दिया, अब मैं सिंपली चला जाऊँगा बैक। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट बन चुका है। सो आप अकाउंट बनने के बाद आपके सामने ये जो लोग आपको फॉलो करना चाहें आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जिसको सर्च करना चाहें, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा इस तरह का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एडिट प्रोफाइल है, ये एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपको अपना यूज़र नेम चेंज करना है तो यहाँ से यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको कट करने के बाद ऐसे यहाँ पर कुछ भी यूज़र नेम डालें और यहाँ पर राइट का टिक कर दें, ऐसे करके टिक करना हो आपको सब कर देना दोस्तों। यहाँ पर आप अपना बायो डाल सकते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना प्रोफेशन वगैरह। यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं दोस्तों, लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का, यूआरएल कोड, एंड यहाँ से आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं। न्यू प्रोफाइल पे डाल ऐसे जाकर अपनी फ़ोटो भी डालना चाहें तो फ़ोटो भी डाल सकते हैं दोस्तों ऐसे। सो सीधे करते हैं हम फ़ोटो, ऐसे अपलोड करना चाहें अपलोड भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करना। सो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी दोस्तों।